मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं कि मुझे यहां 6 बजे पहुंचना था लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। मैं प्रातः तो अपना काम समय पर शुरू करता हूं। लेकिन दिन ढलते ढलते कोई 2 मिनट खा जाता है, कोई 5 मिनट खा जाता है, तो उसके कारण। लेकिन वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। हमारे यहां बाहुबली जसवंत पटेल एक मुख्यमंत्री थे, उनका बड़ा ही विशेषता थी। वो एक थैली लेके आते थे कार्यक्रम में, अपने पास थैली रखते थे और जो भी उनसे कार्यक्रम तय करते थे, कार्यक्रम शुरू होने का समय पूछते थे और पूरा होने का समय पूछते थे और तय करते थे। और जाने के बाद तो फिर हम लोगों की कुछ चलती नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए उनका 6 बजे का समय पूर्ण हुआ है तो उनका भाषण होना बाकी हो, कार्यक्रम बाकी, वो अपना थैली लेकर चल देते थे। खैर हम तो ये कर नहीं सकते कि उतनी ताकत हमारे में है नहीं। मित्र, आप लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं उसके लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन आपका है जिससे मेरा कभी नाता ही नहीं आया। न पेशेंट के नाते आता है, न फार्मासिस्ट के नाते आता है, और डॉक्टर के नाते आने का तो सवाल ही नहीं होता है। मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग, क्योंकि मैंने जब देखा सारा कार्यक्रम, मुझे सब मित्रों ने बताया तो बहुत सारे टेक्निकल सेशंस हैं आपके, यानी एक प्रकार से हेल्थ सेक्टर में क्या नए इनोवेशंस हुए हैं, कौन से प्रयोग दुनिया में कहां ज्यादा सफल हुए हैं, उन सारी टेक्निक्स को अगर हम एडॉप्ट करें तो क्या हो सकता है, इन सारे विषयों पर आप अपडेट होने के लिए काम आता है। मुझे याद है मैं शायद 92 में अमेरिका में आप ही के कार्यक्रम में गया था। मोस्ट प्रोबेबली मिस्टर गुप्ता वाज द चेयरमैन एट दैट टाइम। मुझे याद नहीं है, मैं 91-92 का शायद कालखंड होगा। काफी आप ही के डॉक्टर मित्रों से मेरा उस समय मिलना हुआ था। और तो गुप्ता वाज द है मैं जी, मुझे पूरा तो याद नहीं रहा, लेकिन इस समय में पहले के जमाने में और आज के जमाने में कितना बड़ा अंतर आया है। मैं एक सरकार के नजरिए से नहीं, एक पेशेंट के नजरिए से अगर हेल्थ सेक्टर को देखूं तो पहले गांव में एक बैद्यराज हुआ करते थे और पूरा गांव स्वस्थ रहता था। और आज बाई आंख का डॉक्टर अलग है, दाहिने वाली आंख का डॉक्टर अलग है। इतना सब चीजों में इतना स्पेशलाइजेशन हुआ है। पहले शायद हेल्थ सेक्टर में सिक्स सेंस का भी बहुत बड़ा रोल रहता था। पेशेंट को देखते ही
मरीज की स्थिति का अंदाज लोग लगाते थे। आजकल शायद वो विधा सिर्फ वेटरनरी डॉक्टरों के पास बची है। उनको पेशेंट को कुछ पूछना नहीं पड़ता है। नहीं पेशेंट कोई शिकायत भी करता है, कुछ मांगता भी नहीं है। लेकिन इन दिनों सिक्स सेंस की जगह एक्सपीरियंस, ट्रेडिशंस, इन सब की जगह टेक्नोलॉजी ने एक्वायर की है। पूरा मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होता चला जा रहा है और एक प्रकार से शरीर को भी एक स्पेसिमेन रूप में आराम से अब उसको खोल करके हर पुर्जे देख करके क्या रखना क्या निकालना सब बड़ा आराम से हो रहा है। लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। मेरी इंप्रेशन ऐसी है कि डॉक्टर जब पेशेंट के साथ होते हैं तो बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन बाकी समय बहुत खुशहाल रहते हैं। वकील का ऐसा नहीं होता है, वो अकेला होता है तब भी तनाव में होता है। टेक्नोलॉजी का काफी रोल इन दिनों बढ़ता जा रहा है। एक समय था पेशेंट डॉक्टर के आधार पर तय होता था उसकी बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी। डॉक्टर के नाम पर यानी पीढ़ियों तक पेशेंट जुड़े रहते थे, कोई फलाना है तो भाई उनका अपॉइंटमेंट लो, बीमारी तकलीफ देती थी उनके अपॉइंटमेंट नहीं मिलते तब तक जाएगी। ये था इन दिनों पेशेंट को भी भाई पहले रिपोर्ट देख लो क्या है फिर देखेंगे डॉक्टर के पास कहां जाना है। यानी ये अवेयरनेस का लेवल यहां तक पहुंचा है। उसी प्रकार से जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं मैं देख रहा हूं कि शायद मेडिकल प्रोफेशन का प्रेशर हो, कुल मिला करके बीमार व्यक्ति के प्रति एक संवेदना का कारण हो। लेकिन धीरे धीरे पूरे दुनिया में हेल्थ सेक्टर ये राजनीति का बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। शायद अमेरिका में तो सरकार रहे या न रहे उसका कारण भी आप होते हैं, आप ही वाले नहीं। यही इतना सेंसिटाइज हो चुका है कि भाई कौन उसका कारण क्यों, क्योंकि पैदा होना बहुत महंगा नहीं है, जीना बहुत महंगा नहीं है, बीमार होना बहुत महंगा हो गया। अभी कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी ने एक बात हिंदुस्तान के संदर्भ में कही थी। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ लोग इसलिए कर्जदार बन जाते हैं क्योंकि उनके परिवार में कोई न कोई बीमार हुआ है। बीमारी आते ही पूरे जीवन की सारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है, सारे रिसोर्सिस एक जगह पे चैनलाइज हो जाते हैं। भाई उसका करो, फिर सब्जी कम करो, दूध कम करो, बच्चे की फी नहीं देंगे, छोड़ दे बेटा एक दिन, तब
दादा बीमार है, पिता, यानी एक ऐसा ऐसी स्थिति है और उसके लिए हर सरकारों के लिए एक प्राइम एजेंडा ये बन रहा है। इवन इन गुजरात, मैं जब यहां नया नया इस ड्यूटी को ज्वाइन किया था तो हमारा बजट शायद 800,000 करोड़ था हेल्थ सेक्टर का, आज करीब करीब 5,500 करोड़ तक हम पहुंचे। फिर भी बहुत कुछ करना है, अभी फिर भी बहुत कुछ करना है। तो एक तरफ तो, और फिर उसमें से शुरू हो जाता है इंश्योरेंस, ये बहुत बड़ा कारोबार है। हमें भी यहां हेल्थ टूरिज्म को प्रमोट करना है तो सबसे पहले इश्यू आता है इंश्योरेंस, कि भाई दुनिया के देशों के साथ इंश्योरेंस टाइप होना चाहिए, तभी तो पेशेंट आएंगे। कहां केवल भाई, अच्छा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोचते हैं यार 20% तो बाहर वाले आ जाएं। और अब हमारे जैसे देश में हम लोगों को फोकस बदलना पड़ेगा। अमेरिका में चल सकता है, वहां की संभावनाएं भी ज्यादा है। हमारा फोकस हेल्थ इंश्योरेंस पे हो कि हेल्थ एश्योरेंस पे हो, और इसलिए भारत जैसे देश में हेल्थ एश्योरेंस, इतने गरीब लोग हैं, इसके लिए कोई न कोई व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देना बहुत आवश्यक होता है। ज्यादातर हेल्थ की जब चर्चा होती है तो बहुत एक सिकनेस के संदर्भ में होती है, कहते तो हेल्थ है लेकिन पूरा फोकस बीमारी पे होता है। हमारे देश में बहुत जरूरी है कि हम सिकनेस से अपना फोकस थोड़ा वाइडर करके हेल्थ पर कॉन्सेंट्रेट करें, और जब तक हम, फिर तो क्या होता है भाई, वो बीमार है उसको ठीक करो, वो बीमार है ठीक करो, वो बीमारी है कुछ करो, ये बीमारी है कुछ करो, फार्मास्यूटिकल भाई इन दिनों फलाना वायरस आया है ऐसा करो ये निकाल दो, तो ये फिर मार्केट वाली दुनिया चलती रहती है। तो वो बीमारी को निपटना एक विषय है, हेल्थ सेक्टर पे फोकस, एक होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता रहती है, इंटरडिसिप्लिन अप्रोच की आवश्यकता रहती है, तब जाकर के हम इस क्षेत्र में कुछ परिणाम ला सकते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा, अब जब मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा था, यहां भी आप लोग एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, आपका संबंध आता होगा, ये एक विचार मेरे मन में चल रहा है लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा, अगर आप लोग उसमें मेरी कुछ मदद करें। मैं ये इंश्योरेंस कंपनियों से मिलता हूं, सरकार में तो आते रहते हैं, वो सरकार का तो बीमा नहीं होता है। मैं उनको एक सवाल पूछता हूं कि मान ले किसी ने बस का इंश्योरेंस लिया और बस कहीं जाकर के एक्सीडेंट हो गया, 6-8 लोग मर गए, तो बस की इंश्योरेंस का बेनिफिट मरने वालों को मिलता है, नॉट नेसेसरी कि पैसेंजर का इंश्योरेंस हो। पैसेंजर का इंश्योरेंस नहीं होता है, बस का होता है। हमारा कहना है अस्पताल के बेड का इंश्योरेंस क्यों ना हो, जो उस पर आकर सो जाए वो बेनिफिशियरी। अगर बस में एक्सीडेंट हो, कोई भी बैठा हो बेनिफिशियरी है, व्हाई नॉट इन हॉस्पिटल्स। मुझे मालूम है डॉक्टरों को इससे घाटा होगा कि फायदा होगा,
लेकिन पता नहीं इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट नहीं लगता है तो वह आ नहीं रहे हैं उनको कई आप भी थोड़ा माइंड अप्लाई कीजिए कुछ इसमें हो सकता है क्या, क्योंकि कभी सोचना चाहिए कि मैं ये क्यों, मेरी मालिकी की कार हो मैं कार में जा लूंगी, कार पैसेंजर कोई और है तो ही जो बेनिफिशियरी, मालिक उसमें हो या ना हो तो व्हाई नॉट हॉस्पिटल बेड। मैं हॉस्पिटल के इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस बिस्तर की बात कर रहा हूं जिस पर आकर के पेशेंट सोने वाला है। आया नहीं कि इंश्योरेंस स्कीम में आ गया हो, तब जाकर के मैं समझता हूं कि हम कोई नए रूप में व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं। भारत जैसे देश में जितना बजट हम हेल्थ के लिए खर्च करें उससे ज्यादा बजट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए खर्च करने की आवश्यकता रहती है। अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बल नहीं देते हैं तो हम, और उसके लिए कभी कभार तो कोई रुपये की जरूरत भी नहीं होती है, अगर एक व्यक्ति थोड़ा सेंसिटिव हो तो कैसे काम कर सकता है। बीच में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि पाकिस्तान में जो बच्चों की मृत्यु होती है उनमें से 40% मरने का कारण यह है कि वो खाना खाने से पहले हाथ की सफाई नहीं करते। हाथ की सफाई वो वाली मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे हाथ की सफाई करें और हम ये भी नहीं चाहते कि बड़े भी करें लेकिन हाथ धोना कर को थोड़ा नहीं करते। मैं नहीं मानता हूं हमारे देश में भी कोई ज्यादा फर्क होगा क्योंकि हमारी आदतें तो वही है, पहले भी हम एक ही थे। अब इन चीजों को किस प्रकार से नीचे लाया जाए, और मैंने देखा है कि सरकार बजट सरकार की योजनाएं ये पता, एक छोटा इंसान भी कैसे काम कर सकता है। मैं एक बार गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए गांव में दौरा कर रहा था। एवरी ईयर मैं 13, 14, 15 जून जबकि गुजरात में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हमारी पूरी सरकार गांव में जाती है, ऑल मिनिस्टर्स, ऑल आईएएस अफसर, ऑल आईपीएस अफसर, ऑल फॉरेस्ट सर्विस अफसर, इवन सिविल सर्जन भी सब जाते हैं। अब बच्चियों को शिक्षा स्कूल ले जाने के लिए हम कोशिश करते हैं, सफलता मिली हमें। तो इसी काम के लिए मैं गया था तो मुझे एक आंगनबाड़ी की महिला, खुद पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन कैसे समाज में इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, गरीब थी। वो क्या करती थी, अपनी जो पुरानी साड़ी हुआ करती थी उसके टुकड़े करके उसके हैंडकरचीफ बनाती थी। नॉर्मली गरीब के घर में साड़ी पुरानी हो तो प्याला भरने वाले का इंतजार करते हैं, पुराने बर्तन बेचने वाले आते हैं ना उसके लिए इंतजार करते हैं। ये आंगनवाड़ी की महिला, एक स्कूल में मैं गया तो हमारे एक अफसर ने इनिशिएटिव लिया था, उसने क्या किया, स्कूल का जो एंट्री गेट था वहीं पर एक शीशा लगा दिया मिरर। अब बहुत से गांव के बच्चे होते हैं कि, और उसने नियम बनाया स्कूल में जो भी आएगा एक सेकंड मिरर के सामने खड़ा रहेगा फिर स्कूल जाएगा अंदर। हुआ ये कि दो दिन में ही जो भी आता है यूं करने लग गया, उसको लगा हाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं कुछ नहीं सहज रूप से, और धीरे धीरे वो बच्चे अपने आप में स्कूल आना मतलब कैसे रहना, खुद मिरर उनका टीचर बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में लोक शिक्षा का बहुत महत्व है, हम जितना उस पर बल देते हैं उतनी हमारी इस क्षेत्र में सुविधा बढ़ती है। कभी मैं बच्चों से मिलता हूं तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि बताओ भाई तुम्हें दिन में पसीना कितनी बार आता है, यू बी सरप्राइज टू नो। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके भाग्य में पसीना नहीं है,
न वो मेहनत है, न खुले मैदान में दौड़ना है, कूदना है, गिरना है, पटकना है, नहीं है। अब ये समाज जीवन की अवस्था होगी तो आगे क्या होगा? और मैं उसको पूछता हूं, भाई तुम्हें दिन में चार बार पसीना आता है क्या? अब तो बड़े शहरों में तो एडवर्टाइजमेंट आता है, एयर कंडीशन स्कूल, सेंट्रल एयर कंडीशन स्कूल, अब वहां तो पसीना कहां से आएगा पता नहीं। हेल्थ के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी चाहिए वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चाइना में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में धीरे 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 कमजोरी होने लगी, तो चाइना ने स्टडी किया कि भाई क्या कारण है कि हम चाइना एक नई जनरेशन तैयार नहीं होती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कारण उनके ध्यान में आया कि टीवी पे जो कार्टून फिल्म्स होती हैं उसके कारण बच्चे स्कूल से आते ही उसके सामने बैठ जाते हैं, खेल के मैदान में जाते नहीं। अब हम हिंदुस्तान में तो हम नहीं कर सकते, रही चाइना ने नियम किया कि स्कूल से आने के बाद खेल के मैदान के टाइम पे कोई कार्टून फिल्म नहीं चलेगी। देखिए मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि कैसे बदलाव आता है। अब मैं ये नहीं कर सकता वरना 48 घंटे तक टीवी पर डिबेट चलेगा, ये कौन सी हिटलर शाही है, मोदी समझता क्या है, बच्चों के अधिकार का क्या, अगर कार्टून फिल्म देखेगा नहीं तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, पता नहीं साहब दुनिया भर के बड़े वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाएंगे। खैर उनको भी तो अपनी रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन मित्रों एक जागरूक समाज के नाते हमारी आने वाली पीढ़ी ये हेल्थ कॉन्शियस कैसे बने, उसके जीवन में सहज रूप से आप भी जो विदेशों से आए हुए हैं आपको भी चिंता रहती होगी आपके बच्चों की जंक फूड की आदत, बहुत से मां बाप हो गए इसको रोटी कैसे खिलाए, रोटी को छूने को तैयार नहीं, उसको मैगी चाहिए, ये भी अपने आप में यानी बदलते जा रहे जो सामाजिक अवस्था है उसमें हेल्थ के संबंध में हम सारी दुनिया को कानूनन ठोक नहीं सकते भाई ऐसा करो ऐसा मत करो, नहीं कर सकते, हमने चीजों को इवॉल्व करना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है, हम इस पर कैसे बनते हैं। जिस देश में हेल्थ के सेक्टर में इतना हमारे पास समृद्धि है हमारे पास, लेकिन हम दुनिया में ये जितनी बड़ी मात्रा में इसका ब्रांडिंग करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए, हम नहीं कर पाए और ज्यादातर हम वेस्टर्न मॉडल को फॉलो करने लगे। हमारे पास बहुत सी चीजें, मैंने ऐसे बहुत डॉक्टर दे रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जो खुद सर्जरी भी करते होंगे, 50 चीजें करते होंगे, लेकिन खुद के घर में होम्योपैथी के सिवा किसी को घुसने नहीं देते। उनको मालूम है, वो जानता है शास्त्र का, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक प्रकार से हम लोगों की बपोती है, हमारी विरासत है। हम इस पर कैसे बल दें? आज देखिए हर्बल मेडिसिन, मैं मानता हूं हर्बल मेडिसिन और हिमालय जैसी संपदा हमारे पास हो, रामायण में हम पढ़ते हैं कि लक्ष्मण जी बेहोश हो गए तो हनुमान जी जाकर के जड़ी बूटी हिमालय से ले आए और लक्ष्मण जी होश में आ गए, वो हिमालय तो खड़ा है, लक्ष्मण जी हो या ना हो, हनुमान जी हो या ना, हिमालय तो खड़ा है। लेकिन हर्बल मेडिसिन के एक्सपोर्ट में आज चाइना दुनिया में नंबर एक पर है, हम नहीं है। ये चैलेंज हम कैसे, दुनिया को हम कन्विंस कर सकते हैं? यस, हमारे पास ये है भाई।
दुनिया के कानून होंगे तो सप्लीमेंट्री फूड के रूप में चला जाता है, ऐसे ही है ना, सप्लीमेंट्री फूड ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ ऐसा करके लिखते हैं। तो कोई ना कोई रास्ता तो है साहब, और हम इस विषय में तो सब मास्टर लोग हैं। उसी प्रकार से दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं, मैं नहीं जानता आप साइंस वाले इससे सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरा रॉ विजन कहता है कि दुनिया में अगर सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई होगी तो कहां हुई होगी, तभी तो गणेश बने होंगे। अगर प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान हमें ना होता तो गणेश जी कहां से होते। आज जो दुनिया जेनेटिक साइंस की चर्चा कर रही है, कर्ण मां के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। कर्ण का पूरा जो वर्णन है महाभारत में, कर्ण जेनेटिक साइंस से पैदा हुए थे। इसका मतलब ये विधाएं कभी न कभी तो रही होगी। हम इसे खोते चले गए हैं, अपनी दुनिया तोड़ से दूर चले गए। आप लोगों को मालूम होगा जो इस प्रकार से दुनिया में थोड़े जुड़े होंगे, एक नया मेडिकल साइंस डेवलप हो रहा है और वो है ऑरा के संबंध में। पहले के जमाने में हमारे यहां साधु महात्मा रहते थे तो उसके एक तेजो वलय उनके चेहरे पर एक बड़ा प्रकाश पुंज रहता था और लगता था कि आर्टिस्ट की शायद वो आदत होगी, या बड़े महापुरुषों के इस रूप में प्रेजेंट ना करें तो अच्छा नहीं लगता होगा। ऐसा साइंस ने सिद्ध किया है कि हम सबके शरीर के ऊपर एक ऑरा होता है। ऑरा के माध्यम से आज तय किया जा सकता है कि 20 साल के बाद इस बॉडी में इस डेफिसिट की संभावना है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डेफिसिट इतने इतने प्रकार के डिसीज की संभावना, ये आज ऑरा तय कर रहा है। ये इसका मतलब ये हुआ कि पूरा मेडिकल साइंस एक नए सीमा की ओर आगे बढ़ रहा है। और इन दिनों तो द न्यू कैमरा इज अवेलेबल, क्लियर फोटोग्राफी। जिस क्लियर फोटोग्राफी से कोई भी व्यक्ति अपना ऑरा का फोटो निकाल सकता है, और आप होलिस्टिक हेल्थ केयर के माध्यम से, योगिक क्रियाओं के माध्यम से अपने ऑरा में परिवर्तन ला सकते हैं विद इन अ ईयर। अब ये इतना बड़ा विज्ञान वेस्टर्न वर्ल्ड में डेवलप हो रहा है, हम कैसे इन, अगर इतना बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ये जो विरासत है उसको हम दुनिया के सामने कैसे लाया जा सकता है, कैसे ले जाएं, लोगों को बताएं। 25 मोस्ट मॉडर्न साइंस के सेमिनार होंगे, एकाध तो ये हो लोग जाने तो, क्योंकि हां ये भी था और ये भी हो सकता है। इतनी संभावनाएं पड़ी है मित्रों, उन संभावनाओं को लेकर के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गुजरात ने हेल्थ सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को बहुत भली भांति आगे बढ़ाया है, वरना हेल्थ सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल हो सकता है कि एक बड़ा ही उलझन वाला विषय गुजरात ने डेवलप किया। हमारे यहां पहले इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मुश्किल से 40-45% थी, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 40-45% होने के कारण आईएमआर और एमएमआर की स्थिति बहुत खराब रहती थी। हमने एक चिरंजीव स्कीम लाए, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को इनवाइट किया, उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल बनाया, और आज परिणाम यह हुआ है करीब 95% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमने पार किया है, और उसके कारण माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमने एक बाल सखा योजना चालू की, और जितने पीडियाट्रिस्ट हैं उनको हमने पार्टनरशिप की, प्राइवेट डॉक्टरों को प्राइवेट स्कीम, उनको कहा भाई बच्चा जन्म करता है तो फर्स्ट वीक सबसे बड़ा डेंजर होता है, फिर फर्स्ट महीना डेंजर होता है, फिर फर्स्ट 3 महीने डेंजर होते हैं, इतना समय आप केयर कीजिए, फॉलोअप कीजिए। कई डॉक्टर आगे आए और उसको काम कर रहे हैं, उसके कारण हम बच्चों के जीवन को काफी एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल हेल्थ सेक्टर में गुजरात ने बहुत अच्छे ढंग से लागू किया। इन दिनों तो हमारे जो सरकारी अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी हमने एक मॉडल बनाया है कि प्राइवेट पार्टियां आए उसको चलाए, गरीबों के लिए जो सुविधाएं हैं
उसमें क्वालिटी इंप्रूव हो, लेकिन खर्च के संबंध में एक नया पैसा ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। वो मॉडल हमारा काम कर रहा है, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हेल्थ सेक्टर में एक सबसे बड़ी आवश्यकता हुई है वो ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दुर्भाग्य से हमारे देश में जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में डॉक्टर तैयार नहीं हो रहे हैं। सारी कॉलेज में सभी डॉक्टर 100% रिजल्ट के साथ आए तो भी डॉक्टर कम पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब कि बहुत व्यापक रूप से मेडिकल कॉलेजेस तैयार हो, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए तैयारियां हो, नर्सिंग के लिए तैयारी हो। हम लोग भाग्यवान है कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला हुआ है। 65% पॉपुलेशन इज बिलो 35। जिस देश के पास इतनी नौजवान पीढ़ी हो, लेकिन अगर हमारा मैनेजमेंट नहीं होगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। हेल्थ सेक्टर के लिए हमें इतने इवन नर्सिंग में नहीं, कितने आज अगर हिंदुस्तान चाहे तो दुनिया में नर्सिंग स्टाफ एक्सपोर्ट करने की ताकत रख सकता है, पैरामेडिकल स्टाफ एक्सपोर्ट करने की ताकत, दुनिया को जरूरत है, उनके पास इस प्रकार का मैन पावर अवेलेबल नहीं है। आने वाले दिनों में अगर हम इस पर फोकस करें तो हम भारत के हेल्थ सेक्टर को तो लाभ करेंगे ही करेंगे, हम दुनिया के काम आ सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि गुजरात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी आगे है, दवाइयों का उत्पादन में गुजरात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अगर गुजरात में नहीं गुजरात के बाहर है तो भी वो गुजरातियों के हाथ में है। और उसका मूल कारण क्या, जो दीर्घदृष्टा लोग होते हैं, विजनरी लोग होते हैं, उनका मूल्य तब समझ। आज से हिंदुस्तान में सबसे पहली फार्मास्यूटिकल कॉलेज अहमदाबाद में शुरू हुई 50 साल पहले। उस समय के दीर्घदृष्टा लोगों ने एक कॉलेज को जन्म दिया, आज हम सारी दुनिया को बीमारी से बाहर लाने में सफल हो रहे हैं। एक छोटा सा काम 50 साल के भीतर भीतर दुनिया में कितना इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और इसलिए जो लीडरशिप है, लीडरशिप डज नॉट मीन पॉलिटिकल लीडरशिप, समाज के हर क्षेत्र में लीडरशिप होती है, वो अगर विजन के साथ काम करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण हम इससे अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, बहुत सारे क्षेत्र हैं, मैं एक विषय को लेकर के इन दिनों काफी लोगों से बात करता रहता हूं। आज भी हिंदुस्तान में ये बात सही है कि हेल्थ सेक्टर में जितनी ताकत डॉक्टर की है उससे ज्यादा ताकत टेक्नोलॉजी की है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहां टेक्नोलॉजी हम इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में इनोवेशंस को स्कोप मिलना चाहिए, हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट हमारे यहां क्यों मैन्युफैक्चर ना हो, ऐसी स्थिति क्यों ना हो जैसे हम दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं, हम हेल्थ सेक्टर से जो इक्विपमेंट्स है वो भी एक्सपोर्ट करना शुरू करें। हेल्थ सेक्टर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है तो ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैंने बहुत ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि जो शरीर के साथ तो उनका अपना रोज का कारोबार होता है, लेकिन कभी कभी उनका दिमाग इस प्रकार के टेक्नोलॉजी इनोवेशन में रहता है। यह हमारे गुजरात में भी कुछ डॉक्टर हैं जिन्होंने कई चीजों में नई नई चीजें इनोवेशंस किए हैं, तेजस भाई ने किया, ऐसे कई लोग हैं। इसके कारण बहुत सस्ते में शरीर के लिए जो आवश्यक है वो उपलब्ध होता है। मैं चाहता हूं जो एक्सपीरियंस जनरेशन है डॉक्टरों की, वे इसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गुजरात ने इसके लिए काम शुरू किया है, द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड आई क्रिएट। इस आई क्रिएट इंस्टीट्यूशन के पीछे हमारी कल्पना यह है कि जो लोग 8वीं कक्षा का बच्चे में भी इनोवेशन के लिए रहता है, कुछ स्पार्क रहता है, और 60 साल के बाद भी कुछ लोगों का ऐसा स्पार्क रहता है, ऐसे जो इनोवेशन के
रिसर्च के इस प्रकार के एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं, हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, उनको हम सारी व्यवस्थाएं देंगे, सरकारी खजाने से खर्च करना पड़ेगा, उनको हम मौका देंगे भाई देश दुनिया के लिए कुछ करिए, खोजिए, नई चीज लाइए। मैं चाहता हूं और हमने इस आईक्रेट इंस्टीट्यूट के लिए मिस्टर नारायण मूर्ति को हमने रिक्वेस्ट किया था कि एज ए चेयरमैन इसको संभालिए, उन्होंने स्वीकार किया, आजकल वो एज ए चेयरमैन हमारी इस इंस्टीट्यूशन को संभाल रहे हैं। आप में आप ही के माध्यम से दुनिया में जहां आपका संपर्क होगा, कई डॉक्टर हुए हैं मेडिकल फील्ड में होने के बाद भी इस प्रकार की क्रिएटिव चीजें करते रहते हैं, इनोवेशंस करते हैं, अगर वे गुजरात के साथ अपना संपर्क बनाएं, आई क्रिएट के साथ संपर्क बनाएं और ऐसे किस चीजों को वो कॉमर्शियल लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो सरकार को खुशी होगी, ताकि मानव जात के कल्याण के लिए ये नई चीजें बहुत काम आ सकती हैं। मित्रों, बहुत सारे विषय हैं, मुझे आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हंसी मजाक में कोई ऐसी मोसी चीज बोल दी हो तो बुरा मत माना, पेशेंट कुछ भी करें, डॉक्टर को बुरा मानने का अधिकार नहीं, पेशेंट बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. One more big round of applause, please. At this time, I'm going to invite back to the stage Dr. Jayesh Shah to make some announcement of leadership awards that we are going to request our Honorable Chief Minister to recognize some of the people with the leadership awards. At this point, I will invite Dr. Rajam Ramamurthy. She is the chair of awards committee. First time, Global Health Summit, we decided to honor our Indian physician leaders in leadership, education, and community service. We had a strict criteria. Awards committee looked at nominations, and they have come up with four distinguished awards. I'm going to ask Dr. Ramamurthy to say a few words about them, and hopefully they all can come here and